ये जो मेरे पीछे आप गेट देख रहे हैं जिसमें से हम निकल के आए हैं, इसको हॉल गेट बोलते हैं। और ये हॉल मार्केट है, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हॉल मार्केट है, ये हॉल मार्केट है। भीड़ भड़क का बहुत है यहाँ पे, बहुत रश होता है यहाँ पे। आप एक चीज़ गौर करेंगे कि हर एक दुकान पे जो उसका बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड लगा हुआ है, वो एक जैसा आपको दिखेगा, बिल्कुल एक ही साइज, एक ही कलर, एक जैसे अक्षर लिखे हुए, जैसे हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ऊपर पंजाबी में लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, सभी दुकानों पे एक जैसा ही आपको बोर्ड दिखेगा। यहाँ पे एक मस्जिद भी है जहाँ अमृतसर के मुस्लिम बशिंदे अपनी नमाज अदा करते हैं। सामने आपको दिखेगा पार्टीशन म्यूजियम, 1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ था तो उस टाइम की बहुत सारी यादें यहाँ पे सिमटी पड़ी हैं। बहुत सारी वस्तुएं यहाँ पे रखी हुई हैं, बहुत सारी फ़ोटोज़ उस टाइम की यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो इसका व्लॉग हम बाद में बनाएंगे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। शहीद मदन लाल ढींगड़ा चौक, शहीद मदन लाल ढींगड़ा की यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है, प्रतिमा लगी हुई है। और नीचे हिस्ट्री लिखी हुई है शहीद मदन लाल ढींगड़ा की, आपको दिखाते हैं। 18 सितंबर 1883 को इनका जन्म हुआ था करडाशेर सिंह अमृतसर में। 17 अगस्त 1909 को पेंटन विले जेल लंदन में ये शहीद हुए थे, शहीद मदन लाल ढींगड़ा। काफ़ी मनोरम, काफ़ी रमणीय स्थान है ये शहीद मदन लाल ढींगड़ा चौक। यहाँ पे किसी भी बड़े साधन को आने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ यहाँ के जो शॉपकीपर हैं वही अपनी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसके अलावा कोई विजिटर अपना साधन यहाँ पे नहीं लेके आ सकता। ये अंबेडकर चौक काफ़ी बड़ा चौक बना हुआ है, शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह चौक, काफ़ी ऊंची महाराजा रणजीत सिंह जी की प्रतिमा लगी हुई है, नीचे उनके सैनिकों की प्रतिमाएं यहाँ पे लगी हुई हैं। और ये हेरिटेज स्ट्रीट शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह चौक से स्टार्ट हो जाती है, खूब भीड़ होती है इस स्ट्रीट पे, क्योंकि इसके बिल्कुल सामने चंद कदमों की दूरी पे श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेंपल है। स्ट्रीट के स्टार्टिंग में ये बैरिकेड लगे हुए हैं ताकि कोई अपना साधन, अपना व्हीकल यहाँ से आगे ना लेके जाए। हेरिटेज स्ट्रीट में हर वक्त बहुत भीड़ होती है, क्यों, देश विदेश से श्रद्धालु श्री हरमंदिर साहब दर्शन करने के लिए आते हैं।
तो आप जब भी आइएगा आपको बहुत भीड़ देखने को मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हर एक दुकान का बोर्ड जो है, साइन बोर्ड है, वो एक जैसा आपको दिखेगा, सबका एक जैसा कलर, सबका एक ही साइज, सब कुछ एक जैसा दिखेगा आपको। हेरिटेज स्ट्रीट पे ही आपको दिखेगा विश्व प्रसिद्ध जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल सन 1919 में जो घटना यहाँ पर हुई थी, हमें किताबों में भी पढ़ाया जाता है, तो उसी के लिए स्मारक बना हुआ है, जलियांवाला बाग स्मारक। यहाँ से आगे जाते ही आपको सामने ही दर्शन होंगे गोल्डन टेंपल, साहिब श्री हरमंदिर साहिब, हरी का मंदिर, श्री हरिमंदिर साहिब। तो अगर आप गोल्डन टेंपल श्री हरिमंदिर साहिब का व्लॉग देख रहे हैं तो आप अमृतसर के वो व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम आपको जलियांवाला बाग के बारे में बताएंगे, 1947 पार्टीशन म्यूजियम के बारे में बताएंगे, गोविंदगढ़ किला के बारे में बताएंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए हमारे व्लॉग, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए द ट्रैवलर फैमिली। हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गोल्डन टेंपल श्री अमृतसर में प्रवेश करने से पूर्व आपको अपने जूते चप्पल यहाँ के जोड़ा घर में जमा करवाने पड़ते हैं और सिर ढककर अंदर जाना पड़ता है। यहाँ बाहर बहुत बड़ा परिसर है, रात में बहुत सारे लोग यहीं पर ही सोते हैं। जो बाहर से आते हैं, जिनको होटल में कमरे नहीं मिल पाते, वो यहीं पर सोते हैं। ये गुरुद्वारा साहिब का मेन गेट है, जिसके ऊपर लिखा हुआ डिट्ठे सबे थाव नहीं तुद जेहिया। इस गेट से अंदर जाने के बाद आपको गोल्डन टेंपल श्री हरिमंदिर साहिब के दर्शन होते हैं। बहुत भव्य गेट बनाया गया है यहाँ पर। श्री हरिमंदिर साहिब सिख धर्म का सबसे पावन धार्मिक स्थल तथा सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर शहर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है, जिसका निर्माण चौथे गुरु गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। इसका नाम अमृत सरोवर था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारे का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। श्री गुरु रामदास जी ने गोल्डन टेंपल की नींव लाहौर के एक सूफी संत साईं मियां मीर से दिसंबर 1588 में रखवाई थी। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण हिंदुओं और सिखों ने इसे दोबारा बना दिया। इसे दोबारा 17वीं सदी में भी महाराज सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया द्वारा बनाया गया था। अफगान हमलावरों ने 19वीं शताब्दी में इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया था, तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसे दोबारा बनवाया था और इसे सोने की परत से सजाया था। सन 1984 में जब सिख कत्लेआम हुआ था, तो भारतीय सेना ने जरनैल सिंह भिंडरांवाले को पकड़ने के लिए जब अपना मिशन स्टार्ट किया था, तो उस दौरान भी हरिमंदिर साहिब गोल्डन टेंपल को बहुत क्षति पहुंची थी। लगभग 400 साल पुराने श्री हरिमंदिर साहिब गोल्डन टेंपल का नक्शा खुद श्री गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। यह गुरुद्वारा शिल्प सौंदर्य की अनूठी मिसाल है। इसकी नक्काशी और भारी सुंदरता देखते ही बनती है। गुरुद्वारे के चारों ओर दरवाजे हैं, जो चारों दिशाओं में खुलते हैं। उस समय भी समाज चार जातियों में विभाजित था और कई जातियों के लोगों को अनेक मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इस गुरुद्वारे में यह चारों दरवाजे उन चारों जातियों को यहाँ आने के लिए आमंत्रित करते थे। यहाँ हर धर्म के अनुयायी का स्वागत किया जाता है। यहाँ एक बेर बाबा बुड्ढा जी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब स्वर्ण मंदिर बनाया जा रहा था, तब बाबा बुड्ढा जी इसी वृक्ष के नीचे बैठते थे और मंदिर के निर्माण कार्य को देखते थे।
हरमंदिर साहब परिसर में ही गोल्डन टेंपल से 100 मीटर की दूरी पर स्वर्ण जड़ित अकाल तख्त साहिब है। इसमें एक भूमिगत तल है और 5 अन्य तल हैं। इसमें एक संग्रहालय और सभागार भी है। यहाँ पर सरबत खालसा की बैठकें होती हैं। सिख पंथ से जुड़ी हर मसले या समस्या का समाधान इसी सभागार में किया जाता है। श्री हरमंदिर साहब परिसर में दुख भंजनी बेरी नाम एक स्थान भी है। गुरुद्वारे की दीवार पर अंकित किंवदंती के अनुसार एक बार एक पिता ने अपनी बेटी का विवाह कोढ़ग्रस्त व्यक्ति से कर दिया था। उस लड़की को यह विश्वास था कि हर व्यक्ति के समान वह कोढ़ी व्यक्ति भी ईश्वर की दया पर जीवित है, वही उसे खाने के लिए सब कुछ देता है। एक बार वह लड़की शादी के बाद अपने पति को इसी तालाब के किनारे बैठाकर गांव में भोजन की तलाश के लिए निकल गई थी। तभी वहां अचानक एक कौवा आया। उसने तालाब में डुबकी लगाई और हंस बनकर निकला। ऐसा देखकर कोढ़ग्रस्त व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने भी सोचा कि अगर मैं भी इस तालाब में चला जाऊं तो कोढ़ से निजात मिल जाएगी। उसने तालाब में छलांग लगा दी और बाहर आने पर उसने देखा कि उसका कोढ़ नष्ट हो गया है। यह वही सरोवर है जिसमें आज हरिमंदिर साहिब स्थित है। तब यह छोटा सा तालाब था जिसके चारों ओर बेरी के पेड़ थे। तब का आकार तो अब पहले से काफी बड़ा हो गया है, तो भी उसके एक किनारे पर आज भी बेरी का पेड़ है। यह स्थान बहुत पावन माना जाता है। यहां भी श्रद्धालु माथा टेकते हैं और स्नान करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल द ट्रैवलर फैमिली को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।